तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को फॉलो और लाइक कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो भी बिना नेम चेंज करे। पहले वाली ट्रिक में क्या होता था, आपको जो एक सिंबल वाला नेम करना पड़ता था आपको, ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है ओवरलाइट हो जाता था। लेकिन और फिर उसको क्या करते थे लोग, उसे ब्राउज़र में ओपन करते थे और एक फेक नेम की रिपोर्ट मारते थे, वो उड़ जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको नेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको जो नेम रखना है, आपको प्रूफ नेम रखना है, जो रखना है वो रखना, और आपका अकाउंट भी ओवरलाइट हो जाएगा। तो बिल्कुल न्यू ट्रिक है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और पांच वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ वाला। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एफ बी लाइट ओपन है अपनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्लोन अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। तो इसे आज मैं ओवरलाइट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट का नेम, ठीक है, यही और यही नेम रहेगा अकाउंट का, आपको जो नेम रखना है वो रखो और आपका अकाउंट भी ओवरलाइट होगा, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में कोई फ्यूचर फोटो ऐड है ना तो उसे रिमूव कर देना, ठीक है, कोई भी फ्यूचर फोटो ऐड मत करना। सबसे पहले आपको क्या नीड है, क्रोम ओपन कर लेना अपना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ वाला। तो देखो गाइस वही सेम अकाउंट मैंने क्रोम में भी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, वही अकाउंट यहाँ पे क्रोम में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं और आपको यहाँ पे देखो थ्री डॉट दिख रही होगी क्रोम में, ठीक है, क्रोम में ही करना, ठीक है, वरना आपका अकाउंट ओवरलाइट नहीं होगा। तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइड मोड को ओपन कर लेना, ठीक है, मतलब ऑन कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि ऑन हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे अभी भी फ़ोन वाली साइड खुली हुई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्या दिए देखो एम लिखा है ना, यहाँ पे इसे कट कर देना आपको और WW लिख देना है, ठीक है, तीन बार WW लिख देना है एम को कट करके। तो आपको PC साइड ओपन कर लेनी है, ठीक है, इतना तो सबको आता ही होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास PC साइड ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हम प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं अपनी, यहाँ पे इधर क्लिक करके इस पर, यहाँ पे एरो देख रहे हो आप, इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम इसकी अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारा अकाउंट का नेम एवं प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है, आपको भी ऐसे अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट फ्यूचर का, ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो एक, ठीक है, और जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट फ्यूचर का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटो आएगी, बहुत सारी, ठीक है, आपके क्लोन अकाउंट है तो क्लोन अकाउंट की आएगी, या जैसे मैंने बहुत सारी आएगी, तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर देने, कोई भी आपको यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो सजेस्ट करेगी फेसबुक, और जो आपने अपलोड कर रखी होगी वो भी, ठीक है। तो आप कोई सी भी लगा देना, जैसे कि यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने ये लगा दी, यहाँ पे ये लग गई है, और उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। आपको कोई भी एक फ़ोटो लगा देनी है, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो आप, तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो एक फ़ोटो सिलेक्ट कर देनी है आपको और उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो गाइस एक बार और देख लेना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दी और यहाँ पे मेरी फ्यूचर फ़ोटो जो है लग चुकी है, ठीक है। और आप कुछ बोलेंगे कि अगर पहली से फ्यूचर फ़ोटो लगी है किसी के में तो क्या करें, तो उसे रिमूव कर देना है, दोबारा गेन करना है जैसे मैंने करा, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अपनी किसी पोस्ट पर आ जाना है। तो जैसे यहाँ पे ये पोस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरी DP है या कुछ भी है, तो एक लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मेरे नोटपैड में, तो मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ओवरलाइट ट्रिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिंक है, तो ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं क्रोम में आता हूँ। उसके बाद जो आपको ना कहीं पे भी ये कमेंट कर देना, किसी भी पोस्ट पे, अपनी पोस्ट पे या कहीं पे भी, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अपनी पोस्ट पे करो। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया पेस्ट इसको। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसको कमेंट कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पे कमेंट हो चुका है। तो देखो गाइस यहाँ पे कमेंट हो चुका है, उसके बाद हम इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी लाइक अभी देख सकते हो 455 है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे तो जब तक और बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको लिंक ही प्रोवाइड कर रहा हूँ सीधा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सर्च करने का तो कोई वही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके फिर से डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइड ऑन कर लेनी है, ओपन कर लेनी है, ठीक है। और फिर से आपको अभी यहाँ पे वही फ़ोन वेबसाइट खुली हुई है, तो यहाँ से इसे वैप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेंसिल पे करना है, ठीक है,
पेंसिल पे करने के बाद यहाँ पे आपको इधर की तरफ आ जाना है लेफ्ट साइड, और साथ एम कट करके यहाँ पे तीन बार WW लिख देना है, जिससे हमारी PC साइड ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये लोड और हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर जैसे कि ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइक का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको एक बार और, ये लर्न मोर के नीचे लिखा हुआ है लाइक, तो आपको क्या करना है, इसे लाइक कर देना है। तो मैंने लाइक पे क्लिक करा और ये हो गया लाइक। ठीक है, अब वापस आपको उसी पेज पे आ जाना है। ये देखो चेक इन टैब ओपन हुआ ना आपका, तो यहाँ से इधर करके वापस इसी टैब पे आ जाना है, वरना आप बैक भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने अभी अभी पेज लाइक करा है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया अपना अकाउंट। ठीक है, अब आपको फिर से अगेन इस पर एडिट फ्यूचर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एडिट फ्यूचर पे अगेन क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे तो अभी वही ओल्ड फोटोज आ रही है। ठीक है, फोटोज ऑफ यू, फ्यूचर फोटो, ये सब जो पहले से लगी हुई थी वो आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है, देखो अगर आपके में इतनी सारी फ़ोटोज़ आए, ये देखो सजेस्टेड फ़ोटो, योर फोटोज़ और फोटोज़ ऑफ यू, और यहाँ पे प्रीवियस फ्यूचर फ़ोटो, ऐसे करके आपके पास भी बहुत सारे फोल्डर्स आए फेसबुक कमेटी की तरफ से, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, फुल नीचे स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने फुल नीचे स्क्रॉल करा और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा पेज का। ठीक है, तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक DP आ रही ना, ये ब्लैक DP आ रही है यहाँ पे, जो अभी अभी हमने पेज लाइक करा था वाली DP इसकी शो करेगी उसी पेज की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पर सिलेक्ट कर देना है इसको। तो मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने देखो इस पर क्लिक करा और ये टिक हो गया इस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वापस आपको ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2 DP सिलेक्ट हो गई है, मतलब फ्यूचर फोटो के लिए। तो ये तो हमारी पहले वाली है और ये नई वाली है, तो हमें पहली वाली ना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले वाली को आपको रिमूव कर देना है यहाँ से। ठीक है, इसका आप काम नहीं है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे। तो देखो ये हमारी पहले वाली फ्यूचर फ़ोटो रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे अब हमारी एक ही फ़ोटो है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, जैसे हमने पहले सेव करा था। तो रुको, मैं पहले आपको एफ बी लाइट ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख लो गाइस, अभी ये हमारा वही वाला अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ओपन कर रहे हैं, तो ये ओपन हो रहा है। रिफ्रेश भी कर लेते हैं, तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये रिफ्रेश करा मैंने, फिर भी ओपन हो रहा है। अब हम वापस क्रोम में आ जाते हैं, और क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव पर। ठीक है, तो मैंने सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ये फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद सेव कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये फ़ोटो सिलेक्ट करनी है आपको पेज में से, और उसके बाद सेव कर देना है। तो अब हम वापस एप बिलाइट में आ जाते हैं और यहाँ पर आके अब ओपन करते हैं प्रोफाइल। तो देखो गाइज, मैंने आपके सामने रिफ्रेश कराया और जस्ट नाउ यहाँ पे मरवा सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग कहा गया है, क्योंकि हमारा अकाउंट ओवरलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना अपना अकाउंट जो है लॉग आउट कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ, मेरा वो अदर अकाउंट शो होंगे इसलिए मैं लॉग आउट करता हूँ एक बार। तो गाइज यहाँ पे मैंने ना इसे लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया, तो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे अदर्स अकाउंट है और वो शो होते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया, आप भी लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना अपना वही अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो देखो आपके सामने बूम, हमारा अकाउंट जो है ओवरलाइट हो चुका है। ठीक है, तो गाइस देख लो, बिल्कुल न्यू ट्रिक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, बहुत लोग बोले थे अगर बिना नेम चेंज करे ओवरलाइट की ट्रिक लाओ, बहुत टाइम से बोले थे, तो जब मेरे पास कोई ट्रिक नहीं थी, अब मेरे पास ट्रिक है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपका अकाउंट ओवरलाइट हो जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी, क्योंकि आजकल फेसबुक पर रिपोर्टिंग्स तो बहुत होती है, अकाउंट उड़ा देते हैं लोग शरीफ लोगों का। तो अगर ये ओवरलाइट कर लेंगे तो फिर बहुत से लोग नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।